जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आप शोक से गुजर रहे हैं तो हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि आपको तो दिखाने का प्रयास करूंगा। बोरी बरकम नाका जो है जम्मू द्वारा जीवल चौक के अंदर लगाया गया है और ट्रैफिक कर्मी जो है यहां पर तैनात हैं। और अगर आपने टू व्हीलर से गुजर रहे हैं, आपने दो हेलमेट नहीं लगाई, दोनों ने हेलमेट नहीं लगाई तो आपका चालान काटा जा रहा है। अगर आप सीट बेल्ट पहन कर ड्राइव नहीं कर रहे, आपका साथ वाला जो आपका साथी है अगर वो सीट बेल्ट पहन कर आपके साथ ड्राइव नहीं कर रहा तो चालान जो है वो काटा जा रहा है। जम्मू पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक कर्मी जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार एक महीने से इनके द्वारा जो है वो अभियान चलाया जा रहा था, लोगों को आजाद किया जा रहा था कि अब नए मोटर व्हीकल कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू हो गया है, जिसके बाद जम्मू के अंदर अगर अब आपको ट्रैवल करना है तो अगर आप टू व्हीलर के ऊपर हैं, टू व्हीलर के ऊपर आप खुद को हेलमेट पहनेंगे ही पहनेंगे, आपका साथी जो है वो भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। किस तरीके से जिस भी किसी ने सीट बेल्ट, देख सकते हैं आप सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है और रोका जा रहा है, लाइसेंस देखा जा रहा है, तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप ट्रैफिक पुलिस के इस मुहिम में उनका योगदान दें, उनका साथ दें, ताकि जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हाईवे की अगर बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ पर जो आए दिन मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ तो मरने वाला उसने हेलमेट नहीं पहनी होती, जहाँ पर जब एक्सीडेंट होते हैं तो कई ऐसे हादसे देखे गए जहाँ पर सीट बेल्ट जो है वो नहीं पहनी होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि लगातार जब ये डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, उसके बाद मोटर व्हीकल कानून जो है उसमें बदलाव लाए गए जिसमें कहीं 100 रुपये या 200 रुपये हेलमेट का चलान हुआ करता था, अब वो चलान जो है वो 500 से बढ़कर 1000 रुपये तक कर दिया गया है। कई कहीं ऐसे ही हैं 2000 रुपये का पट्टा जो है आपको कर सकता है। तो कहीं ना कहीं डर जो है लोगों के अंदर हो ताकि लोग जो है अपनी जान की अहमियत जो है उसे समझें। इस मंशा से ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो काम कर रही है। फिलहाल मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है वो चलान जो है वो यहाँ पर काफ़ी जा रहे हैं। शायद कोई टारगेट है जिसे अचीव करना होता है, जहाँ चीज़ें हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पर चलान काटे जा रहे हैं उन केसेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्या चलान जो है उसे काटा जा रहा है और किस से काटा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो उल्लंघन किया जा रहा है, जिन धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है उसके तहत चलान जो है वो काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिन लोगों को रोका जा रहा है, जहाँ तो उन लोगों ने हेलमेट जो है वो नहीं पहनी होती, जहाँ फिर सीट बेल्ट जो है उसको सही तरीके से नहीं पहना होता है, क्योंकि उस गाड़ी को भी रोका गया दूसरी तरफ जहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक चालक जिन्होंने हेलमेट जो है वो पहनी हुई है, उसके साथ हेलमेट देख सकते हैं पायलट जो है लोग कर रहे हैं, दो हेलमेटें जो है लोग पहनना शुरू कर चुके हैं। लगातार अवेयरनेस कैंपेन जो थी जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस जो है उसके द्वारा चलाई गई थी, जहाँ पर दो लोग जो है वो हेलमेट से पहन रहे थे। आप देख सकते हैं हमारे अगर कोई सिंगल जा रहा है तो उसमें हेलमेट पहनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर हेलमेट पहनी हुई है। हालांकि इनको अभी वो जा रहे हैं, इनका चलान जो है वो कट गया है, और बड़े ऐसे लोग हैं जो पालन कर रहे हैं नियमों का, जो लागू हुआ है जिसमें साफ तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है कि आप लोगों को, आप दोनों को चालक के साथ साथ जो उसका साथी उस पर बैठेगा बाइक पर या स्कूटी पर, उसको हेलमेट पहनना आवश्यक है, उसे पहनना पड़ेगा, अन्यथा आपका भी चलान जो है वो कट सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, और बात करें तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर तैनात हैं, कोशिश करेंगे बात हो सके। लेकिन एक ही मुहिम चलाई जा रही है जिसमें ये प्रयास किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि कहीं ना कहीं जाने जो है उसे बचाया जा सके। आए दिन जो डेथ रेट जो बढ़ रहे हैं एक्सीडेंट्स के चलते उन्हें कम किया जा सके। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग समझदार हैं, लोगों ने अब पालन करना शुरू कर दिया है। हर एक व्यक्ति जो दौड़ जाता है उसे सीट हेलमेट जो है वो पहनी होती है। तस्वीरों में दिखा रहा हूँ लोग अब समझदार हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि हम अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 1000 रुपये का चलान जो हमारा कट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हेलमेट जो है नहीं पहनी हुई, और उन लोगों को जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोक रही है, उसके उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपना चलान जो है आपका कटेगा, क्योंकि आपने हेलमेट जो है और उन केसेस को जो है रो
रोककर पुलिस जो है वो बोल भी रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं एक और गाड़ी जो है उसने सीट बेल्ट जो है वो नहीं पहनी हुई और अभी इन्हें भी रोका जा रहा है। जो आप देख सकते हैं लग्जरी गाड़ी जो है उसे भी रोक दिया जा रहा है। चलान जो है फिलहाल तस्वीरें आपको लाइव जीवल चौक से दिखा रहा हूँ किस तरीके से फिर से ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरीके से लोगों को जो है रोक रोक कर कहीं पर तो समझा भी रही है। जो बहसबाजी की जा रही है तो उनका चलान जो है वो भी काटा जा रहा है। फिलहाल रिक्वेस्ट करते हैं कुछ लोग उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फर्क पड़ा है, असर दिख रहा है। लोग अब कानून जो है लागू हुआ है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो उसका पालन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो अमूमन लोगों से लोग बोलते हैं कहते हैं कि टारगेट दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए चलान जो करते हैं। आप लाइन का पूरी दफा करना काम कर रहे होते हैं तो वो आपको एक मैंडेट है आपका करना ही, ये ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट के लिए होता वो जो हमारी लाइन का काम है वो करते हैं और ये जरूर है कि जो हमारे पास फिजिकल वायलेशन का है उन पर हम ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। रिपोर्ट अगर आप देखेंगे फिजिकल वायलेशन जो है वो उससे कम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आप घंटे की टाइम में अल्टीमेटली कहीं हादसा होता है तो उससे नुकसान जो है वो रजिस्टर हो, तो ये लोग ये मान के चले कि एक ही स्कूटर पे दो आदमी बैठे हैं तो खुला लगा कर कोई दोनों को ही नुकसान है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हेलमेट जो पीछे वाले के लिए उसकी जरूरी है जितनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग चलाने का टारगेट है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो हमारे पास रही स्कूल हमारे घर में वहाँ पर मैं बात करके कांडा बताया कहा डर अपने ट्रैफिक कर रहे हो वो गायल हो गए लोगों को रोकते हुए हेलमेट नहीं पहनने के लिए लोगों को खाली एक तरह दिखाई देती है। आप ये चीज़ें भी सवाल कीजिएगा जो भाई इसका फ़ायदा किसका है, अगर आप हेलमेट पहनते हो तो फ़ायदा किसका है, अगर आप मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हो ड्राइविंग करते हुए तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहती है तो फायदा अल्टीमेटली ड्राइवर का है। इसी तरीके से जो भी वायलेशन हम उस पर चलानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर वो जो है वो वायलेटर है उसी के फायदे की बात होगी। कई हज़ार रुपये का चलान कर जाएगा उससे अच्छा बेहतर है कि आप हेलमेट ले लीजिए उसको पहन लीजिए, वो कॉमन सेंस की बात है। इस जगह पर मैं कहता हूँ कि आपका रूल बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे घर में जितनी अवेयरनेस तो है ही है, लोगों के पास मोबाइल हैं, हर एक को ये सोशल मीडिया पर पता एक्टिव है, हर एक को पता है तो ये है उनको फॉलो करना चाहिए। कई कहते हैं कि हमें पता नहीं है तो इसलिए कोई अलग बात नहीं आवेदन जो है वो करते तो तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उचित पुलिस जो है वो फिलहाल किस तरीके से ब्रीफिंग करते हुए कि यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं कुछ लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे उनको जाने भी दिया जा रहा है, लेकिन कुछ दूसरी तरफ अगर बात करें तो बहसबाजी की जा रही है फिर चलान जो है वो भी काटा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं आप अपने लाइक कमेंट बॉक्स में भर के रखिएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तमाम डेट्स के लिए बने रहिए भाव एक्सप्रेस पर। मुझे जय हिंद।